अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए यार काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं। टोयोटा विट्स है, 2012 मॉडल है और 2015 का कोटा भी और रजिस्टर्ड भी है इस्लामाबाद की। गाड़ी की अगर कंडीशन वाइज बात की जाए तो इसकी रूफ और डिग्गी, इसकी जो है ना ट्रंक, ये इसका जेनियन कलर में है। इसके अलावा गाड़ी का बॉनेट, इसकी साइडें शावर्ड है, लेकिन पुटीन वाली नहीं है, पुटीन के अलावा जस्ट शावर्ड है, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह थे तो उन्होंने शावर्ड करवा ली थी। आफ्टर मार्केट के अंदर अलाइज डाले गए हैं, टायर भी इसके 70% ठीक ही हैं। इंजन वाइज एसी हीटर इसका बिल्कुल परफेक्ट अपनी कंडीशन के अंदर है। और अगर इसका अंदर की रूम की बात की जाए तो रूम इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जितना गाड़ी बाहर से शावर है उससे ज़्यादा अंदर के इसका अनटच इसका रूम है। तो अभी थोड़ी बहुत गाड़ी गंदी भी है, कोई सर्विस वॉश वगैरह नहीं हुई, लेकिन अभी टाइम था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक रिव्यू होना चाहिए। तो अगर इसकी एवरेज वाइज बात की जाए तो ये लोकल दे रही है 14-15 लोकल दे रही है, और लॉन्ग पे ये 18-19 की लगभग चली जाती है। तो अभी इंशाल्लाह इसका इंटीरियर एक्सटीरियर इसका रिव्यू करते हैं, तो वीडियो का साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये जी इसकी फ्रंट प्रोफाइल, इसके अंदर वेरिएंट आते हैं, यारिस वेरिएंट भी आ जाता है और सादा वेरिएंट भी है, ठीक है। और अभी इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है आप लोग देख लें। और गाड़ी की अगर बम्पर वाइज बात की जाए तो बम्पर काफ़ी रफ हालत में है। इसके अलावा बॉडी वाइज इसका बॉनेट, इसका शावर्ड है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई स्क्रेचेज नहीं है, लेकिन जस्ट शावर्ड है, लेकिन फ्रेश लुक देने के लिए। इसकी आगे फ्रंट, इसकी हेडलाइट्स, इसके अंदर आप लोगों को एलईडी लाइट्स आफ्टर मार्केट मिल जाती हैं। और इसके अलावा इसके इंडिकेटर इसके अंदर ही मेंशन किया गया है। फ्रंट इसकी जो हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल है, इसके अंदर यहाँ पर जस्ट लोगो क्रोम का दिया गया है, सादी इसकी हार्ड प्लास्टिक की ग्रिल। नीचे एयर के लिए एक दूसरी इसकी एक ग्रिल दी जाती है। नीचे इसकी आगे फॉग लाइट्स, और फॉग लाइट्स इसकी आगे एडजस्टमेंट है, अंदर से आप इन्हें एडजस्टमेंट वगैरह दे सकते हैं। ये आगे इसका राइट का फिंडर, फिंडर के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेंट मिलता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल हालत में, ठीक है। इसके पिलर्स, इसका रूफ ओरिजिनल हालत में, कोई पेंट नहीं है। इसके आगे रिट्रेक्टेबल आप लोगों के इसके साइड्स मिरर मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर इसके आगे कोई ट्रिमिंग नहीं है, जस्ट एक आपको मैंने पिछले रिव्यू में बताया था कि आउट मॉडल जितनी भी गाड़ी उसके अंदर क्रोम की ट्रिमिंग दी जाती थी, लेकिन इसके अंदर इस तरह का कुछ चेंज भी नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर कर्व्स बने हुए हैं, जो कि फ्रंट से लेके बैक साइड की ट्रंक तक आप लोगों को इसके कर्व्स मिल जाते हैं। ये आगे इसकी राइट साइड की प्रोफाइल, यहाँ पर आपको थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉन एक्सीडेंट है गाड़ी। गाड़ी अगर बैक साइड की ट्रंक की बात की जाए तो ये इसके ओरिजिनल कलर में है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके वाइपर्स मिल जाते हैं टोयोटा का ओरिजिनल, आपको लोगो, यहाँ पर आपको इसकी ट्रिमिंग क्रोम की, विट्स का लोगो, यहाँ पर आपको इसकी ब्रेक लाइट, इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर वॉशर दिया जाता है। ऊपर आपको इसका मिल जाता है रिडार का एंटीना, और ये आगे जी इसकी टेल लाइट्स। इसकी टेल लाइट्स काफ़ी रफ हालत में है, लेकिन है ओरिजिनल, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिवर्स लाइट, इंडिकेटर और मिडम लाइट आप लोगों को दी जाती है। बैक साइड के बम्पर की बात करें तो ये आगे इसका बम्पर, बम्पर के अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स दिए गए हैं, यहाँ मिडम में भी और राइट एंड लेफ्ट की जाने के आपको इसके कर्व्स मिलते हैं। यहाँ पर इसकी अगर आप बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड की इसकी पूरी शावर्ड है फ्रंट फिंडर को छोड़ के, ठीक है, और बिल्कुल साफ सुथरी हालत में आप लोगों को दी जाती है। कुछ मॉडल्स के अंदर यहाँ पर ओरिजिनल ब्लैक कलर के पेपर्स आए हैं, लेकिन ये इसके आफ्टर मार्केट हैं, जो इसके अपग्रेड मतलब है 18 मॉडल 17 मॉडल उसके अंदर ओरिजिनल ब्लैक पेपर पिछली मतलब विंडोज के दिए गए हैं। अगर टायर्स की बात करें जिसके अंदर आफ्टर मार्केट इसके टायर्स हैं, और यहाँ पर इसकी जो प्रोफाइल है 185/70/14 के, इसके अंदर आप लोगों को इसके टायर्स मिल जाते हैं। टायर्स की कंडीशन बिल्कुल आप समझ लेंगे 70% इसकी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। चलते हैं जी इसके फ्रंट बॉनेट की जाने, तो हाँ अगर इसकी फ्रंट स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इसके क्रैक आपको मिल जाते हैं, ये बहुत टाइम पहले इसको पत्थर लगा था, लेकिन ये इसके ओरिजिनल हालत में, यहाँ पर आपको 2-3 क्रैक्स मिलेंगे। ये आगे जी इसका फ्रंट, और ये आप लोगों को 1000 cc मिलती है, और इसकी यहाँ पर काफ़ी जरसी रफ हालत में, क्योंकि एक दो शील्ड इसकी नहीं लगी है, लेकिन इसका फ्रंट पट्टी हो गई, इसके कुप्पे वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल हालत में, अंदर से बॉनेट भी बिल्कुल कोई सील डैमेज वगैरह नहीं है, ठीक है। और इंटीरियर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर अगर इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल इसकी जो विंडो के गत्ते हैं, ठीक है, फ्रंट ऑटो इसका मिल जाता है, 3 एडजस्टमेंट बटन हैं, लॉक अनलॉक का बटन है। इसके अलावा यहाँ पर क्रीमी कलर का एक आपको प्लास्टिक दी जाती है, इसके अलावा सारी आप लोगों को ब्लैक मैट ब्लैक कलर में आपको ग्लास होल्डर, स्पीकर्स आ गए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिल जाता है प्लास्टिक नुमा।
इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसका देख लें, माशाल्लाह ब्रांड न्यू, नीट एंड क्लीन, कोई डैमेज नहीं है। यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट के बटन्स हैं, ठीक है, और अगर मेरी हाइट जिस तरह है ना तो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको साइड मिरर के मिल जाते हैं बटन्स, एडजस्टमेंट के, लाइट्स के, डिटेक्टेबल के, इसके अलावा एसी के विंड्स आ गए, और यहाँ पर बानेट का ऑप्शन है। ये आगे इसके स्टीयरिंग, यहाँ पर आप लोगों को इसके मिल जाते हैं 2 एयरबैग। इसके अंदर आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता, जस्ट आपको स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है। और अभी गाड़ी चली हुई है 298,737 किलोमीटर गाड़ी कल चल चुकी है। मीटर में आपको एंड्रॉयड मिलता है, लेकिन कुछ इसका इतना खास एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है, चाइनीज़ वगैरह इसके अंदर मुझे तो इसका कुछ इल्म नहीं है। डबल इंडिकेटर का बटन, एसी मीटर में आर्म रेस्ट नहीं है, जस्ट यहाँ पर इसके फॉग लाइट्स के बटन्स हैं और हैंड ब्रेक हैं। इसके अंदर अगर आर्म रेस्ट दिए जाते तो वो काफ़ी बेस्ट था। इसके अलावा इसके जो डैशबोर्ड के डिज़ाइन है वो भी देख लें, काफ़ी साफ सुथरा, कोई डैमेज नहीं है। ऊपर आपको लाइट्स दी जाती हैं, ठीक है, और ये भी आफ्टर मार्केट इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट्स डाली गई हैं। इसके अलावा आ गए शेड्स, जस्ट फ्रंट ड्राइवर के लिए एक मिरर दिया गया है, वो भी ग्रे की है, मिलता है, ठीक है, दूसरा पैसेंजर की जाने कुछ भी नहीं है। और गाड़ी के अंदर की सीट वाइज माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। ट्रंक की तरफ चलते हैं, सीलें वगैरह भी देख लें, साफ सुथरी इसकी सीलें हैं, कोई सील इसकी डैमेज नहीं है, ठीक है, ना फ्रंट विंडो की, ना बैक साइड के विंडो की, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी कोई सील वगैरह डैमेज नहीं है, ठीक है। ठीक है, जिस टाइम आप कहें आपको बायोमेट्रिक अवेलेबल मिल जाएगी। ओरिजिनल इसका स्मार्ट कार्ड है और टोकन टैक्स इसके 2024 तक क्लियर है। और अभी इसकी जो प्राइस है, इसकी 26 लाख रुपए डिमांड है, लेकिन प्राइस के अंदर ना हेर फेर हो सकती है, इतनी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूँ कि 10-20-30 हज़ार की अगर बात हुई तो वह ऑनर कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रिव्यू में इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।